स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पढ़ाऊंगी। इसमें मैं आप लोगों को एलसीएम निकालने की तीन डिफरेंट मेथड सिखाऊंगी और यह भी बताऊंगी कि कौन सी मेथड कब और क्यों लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मेथड की तरफ बढ़ते हैं, फैक्टर मेथड। हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूं, 8, 12 और 20, इसके मुझे LCM निकालना है फैक्टर मेथड से। तो आप ध्यान दीजिए, फैक्टर मेथड लगाना कब है? जब नंबर छोटे हो और आसानी से उसे तोड़ा जा सकता हो, उसे फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता हो। जैसा इस क्वेश्चन में है 8, 12, 20, हम 8 को लिख सकते हैं आसानी से 4 into 2। अब इस 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 और ये 2 लिख दिया। अब 12 की बारी, 12 को लिख सकते हो 4 into 3 और फिर 2, 4 को लिख सकते हो 2 into 2 और ये आपका 3। अब 20 की बारी, 20 को लिख सकते हो 4 into 5, अब 4 को 2 into 2 और ये आपका 5। हमें LCM निकालना है तो कैसे निकालोगे LCM? सबसे पहले आप तीनों में देखिए क्या कॉमन है। तो देखिए, इसमें 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक बार लिख दीजिए। तो लिख देते हैं, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तीनों में 2 आ रहा है, लिख देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि इस वाले में 2 आ रहा, इसमें 3 आ रहा, इसमें 5 आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा। जो तीनों में कॉमन था वो एक एक बार लिख दिया, बाकी जो बचा अब उन्हें लिख दो। 2, 3, 5 बचा, उन्हें लिख देते 2, 3, 5। अब इनका आप करेंगे मल्टीप्लाई, आपको एलसीएम मिला 1, 2, 0। इस क्वेश्चन को भी हम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 24 को लिख सकते हो आप 4 into 6 और बेटा 4 को आप लिख सकते हो 2 into 2 और 6 को लिख सकते हो 2 into 3। 32 को ले लेते हैं, 32 को आप लिख सकते हो 4 into 8, 4 को आप लिख सकते हो 2 into 2 और 8 को लिख सकते हो 2 into 2 into 2। 40 की बारी, 40 को आप लिख सकते हो 4 into 10, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 into 2 और 10 को बच्चों 2 into 5। हमें LCM चाहिए, तीनों में कॉमन देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तीनों में जो कॉमन है वो एक बार लिखो, 2 लिख दिया। अब इन तीनों में कॉमन देखिए, 2 है, वह भी एक बार लिख दिया। इन तीनों में कॉमन 2 है, वह भी एक बार लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2-2 है, फिर 5 है, तीनों में कुछ कॉमन अब नहीं बचा, तो बेटा जो बचा उसे लिख दो। 3 बचा, ये आपका 2 into 2 बचा और ये बचा 5। तो ये हो जाएंगे 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 और ये दोनों का मल्टीप्लाई 15। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 480 आपका एलसीएम है। अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, तीनों को एक साथ लेके खड़े में, कहने का मतलब कॉलम में डिवाइड करते हैं। कैसे देखिए, 12, 15, 18, तो इसका हमें एलसीएम चाहिए, तो हम लिख लेते हैं 12, 15, 18। अब एलसीएम निकालें, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया 6, 15, 9। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 3, 15, 9। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब 3 से कर देते हैं 1, 5, 3। अब 3 से हो सकता है, 3 से कर दो 1, 5, 1।
अब 5 से डिवाइड होगा, 5 से कर देते हैं 1 1 1। हमें एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। क्या करोगे, अब ये देखिए इन दोनों की जोड़ी बन गई, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इन दोनों की जोड़ी बन गई 3 का स्क्वायर, और ये बचा 5। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 × 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 180, आपका एलसीएम है। इस क्वेश्चन को भी डिवीजन मेथड से करते हैं, 84 126 और 210। सभी बच्चों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कर देते हैं, ये होगा 42, ये 63 और ये 105। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये होगा 21, 63, 105। अब हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर देते हैं, ये 7, 21 और ये 3, 5। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 7, ये हो गया 7, ये 3, 5। अब बच्चों ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 7, 7 और ये हो गया आपका 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1, ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम पेयर बना लेते हैं। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और बच्चों ये दोनों हो गए 5 × 7। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये दोनों 35 हो गए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 और ये 35। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1260, आपका एलसीएम है। अब हम एलसीएम निकालने की तीसरी मेथड सीखेंगे, इसका नाम भी डिवीजन मेथड है, लेकिन ये मेथड एलसीएम निकालने के लिए कब लगाना है वो मेन बात है। क्या है, जब आपको दो नंबर दिए हों तब ही ये मेथड लगाइए, दो नंबर जिनका आपसे एलसीएम पूछा है। दूसरी बात, उनके फैक्टर आसानी से यदि नहीं बन रहे हों तब ये आप मेथड लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं और एलसीएम निकालना सीखते हैं। दो नंबर जैसे आपको ये दे रखे हैं 396 और दूसरा दिया है 576। मेथड क्या कहती है, मेथड कहती है कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कीजिए। तो कर देते हैं, 396 को डिवाइड करते हैं 576 से। वन टाइम जाएगा 396 आएगा, घटा देंगे 180 आ रहा है। ये 180 396 से छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो उल्टा कर दो, 396 को 180 से डिवाइड कर दो। तो 396 लिख लेते हैं, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, कितना आएगा 360। अब घटा देते हैं इसको, ये आया आपका 36। अब ये जो 36 नंबर है 180 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उल्टा कर दो, 180 को डिवाइड कर दो 36 से, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। बच्चों लास्ट बार जो जिससे डिवाइड किया, लास्ट बार आपने किससे किया बेटा, 36 से, तो लास्ट बार जिससे आपने डिवाइड किया वो HCF कहलाता है। आपको इन दोनों नंबर का HCF पता चला 36, लेकिन उन्होंने ये पूछा ही नहीं। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है LCM बताइए। अब क्या करेंगे, HCF आपको पता चल चुका, डिवाइड आपने कर लिया, अब एक फॉर्मूला यूज होता है LCM × HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम तो हमें पता करना है, x मान लेते हैं, HCF आपने निकाला 36
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का गुणनफल जो आपको दिए हैं वो ये है 396 और 576। अगली स्टेप में 36 को डिवाइड में डाल दो, कैंसिल कर देते हैं, 11 आया। अब सॉल्यूशन आएगा 6336, आपका एलसीएम आ गया। अब हम इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। करते क्या है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, 148 उससे 185 को डिवाइड किया, वन टाइम जाएगा, घटा देते हैं, 37 आया। अब 37 छोटा नंबर है, 148 से डिवाइड नहीं हो रहा, उल्टा कर दो, उल्टा मतलब अब 37 से डिवाइड करेंगे 148 को, ये कर देते हैं, चार बार जा रहा है, कैंसिल, कंप्लीट हो गया सॉल्व। हमें लास्ट बार डिवाइड किससे करा, हमने लास्ट बार डिवाइड करा बच्चों 37 से, हमें HCF किसका मिला, इन दोनों नंबर का मिला, वो मिला 37। अब क्या करना है, हमें तो LCM निकालना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो अंकों का या दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो HCF बेटा आपका 37 है, LCM X मान दिया, प्रोडक्ट करना है दो नंबर का, वो दो नंबर ये हैं 148 इंटू 185। अगली स्टेप में आप 37 को डिवाइड में डाल दीजिए, ये 37 के टेबल से कैंसिल, 4 मिला। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, 740 आपका एलसीएम है,